न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कहते हैं फौजियों और सेना को देखकर लोगों में देश के प्रति जज्बा पैदा होता है, लेकिन सेना में काम करने वाले एक मुलाजिम ने कुछ ऐसा किया जो सुने दंग रह जाए। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिला, यूपी के कानपुर और सागर सेना की एमईएस को लेकर जुड़ी है, जहां कानपुर से 4 दिनों से एक महिला सागर की पुलिस के चक्कर पर चक्कर काट रही है। वह सागर में अपने सेना में नौकरी करने वाले पति से प्रताड़ित होकर परेशान हो रही है, लेकिन सेना के दबाव में इस महिला की आवाज को दबाया जा रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सागर की सेना के एमईएस में नौकरी करने वाले मनोज शर्मा पर कानपुर से आई उसकी पत्नी दीपिका शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, यहाँ पे पोस्टेड है, सिविल सर्विस है इनकी। कहा कि 2 महीने बाद आना, मैं 2 महीने बाद आई तो यहाँ पे रख भी नहीं रहे। मैं कैंट पुलिस भी गई, वहाँ भी कहते मैं नहीं रखूँगा, तो मैं अपने अधिकार से पति के ताला तोड़ के रूम पे रह रही थी, जिसमें से आज मेरे पति को ने पता नहीं क्या कह रहा, महीने भर की छुट्टी पे चला गया और आज मुझे वहाँ से रूम से मेरे कपड़े मेरा सामान निकाल के भगा दिया गया और उनका सामान सब। मैं इंसाफ चाहती सर, मैं क्या करूँ बताइए, मैं कहाँ जाऊँ अकेली लड़की, मैं कहीं नहीं रही, मैं क्वार्टर में रह रही थी और क्वार्टर से मुझे भगा दिया गया। मम्मी पापा सब कानपुर में रहते हैं मेरे, यहाँ कोई नहीं रहता मेरा, मैं यहाँ अकेली आई हूँ और पति कहीं कहीं सागर में घूम रहा है। मैं कैंट में भी की, कानपुर में भी की, कोई सुन नहीं रहा। मैं यहाँ अभी एसपी ऑफिस आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ भी अभी एप्लीकेशन दी मैंने। इतना ही नहीं, उसका देवर और ननन ससुराल में रहते हैं, उसके सोते जागते बाथरूम जाते वक्त उस पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते थे और उसी को लेके ब्लैकमेल करते हैं, उसी को लेके इन्होंने उसे घर से बेघर कर दिया है। फरवरी माह के 2020 में कानपुर के रहने वाले मनोज शर्मा से दीपिका की शादी हुई थी। मनोज शर्मा सागर के आर्मी के एमईएस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। हनीमून के लिए दोनों नैनीताल भी गए, उसके बाद ही जब लौटे तो पति पत्नी को प्रताड़ित कर उसे घर से भगा देता है। बाद में कानपुर पुलिस की मदद से दोनों में राजीनामा हुआ, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को वो साथ नहीं रख रहा है। दीपिका हौसले वाली लड़की है, वह न्याय मांगने के लिए मध्य प्रदेश के सागर आई है। जिस क्वार्टर में मनोज शर्मा रहता है उसके आने की खबर सुनकर वह भाग गया। दीपिका ताला तोड़कर वहां रहने लगी, लेकिन सेना के जवानों ने मनोज शर्मा के इशारे पर दीपिका को घर से बेघर कर दिया। उसने सागर पुलिस की मदद ली, लेकिन सागर पुलिस को सेना पुलिस ने खबर दी कि दोनों का तलाक का केस चल रहा है, लेकिन दीपिका का दावा मजबूत है, उसे तलाक का कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है। फिर सेना पुलिस और एमईएस क्यों झूठ बोल रही है और सेना के कहने पर सागर पुलिस क्यों काम कर रही है? मनोज पर कार्रवाई और जांच क्यों नहीं हो रही? दोनों राज्यों की पुलिस से गुमराह है, इस महिला को कौन न्याय देगा? इस महिला ने सेना से लेकर दोनों राज्यों की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सागर के बाद 1.5 साल हो गया, ये ना वहाँ जाते थे कानपुर और ना ही इनके सास ससुर, मेरे माँ बाप, इनके सास ससुर कहते हैं माँ बाप कि वो लड़का बेदखल है, आप अपने पति के पास जाइए। जब हम एड्रेस पूछते कि बता दीजिए, तो हमें कोई एड्रेस नहीं बताया, तो आज मैं भी निकाल दिया घर से, निकाल दिया गया रूम से, जिसमें से उनका सामान वहीं रखा है और मेरा सामान निकाल दिया गया। ऐसा क्यों, मैं लेडीज़ कहाँ जाऊँगी? ऐसा करना चाहिए कैंट वालों के, बताइए मैं कहाँ। और उसको अभी पंद्रह दिन की छुट्टी पे वो गया है 2 दिन पहले। सागर एक्सप्रेस न्यूज पुलिस से अपील करता है कि यह डॉक्टर गौर की नगरी है, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, उनकी आवाज को नहीं दबाया जाता है। हमारे सागर की यही परंपरा है, यही सागर की जनता का कानून है। सागर की कैंट पुलिस को इस मामले में महिला की मदद करनी चाहिए, साथ ही सेना पुलिस और एमईएस से हम कहना चाहेंगे कि हर देश का बासिंदा आपको रक्षक मानता है, आपको न्याय का देवता मानता है। इस मामले में आप खुद न्याय करें। सागर की सेना से हम सबको और इस महिला को शायद यही उम्मीद है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज़।
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।